वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीत्वा नंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायूतं बिंदावन मनोहर वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाख जगद्वरेण्य धैयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनतं शरण्यं भीतातिहं वनतपालभवद्दीपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपोवधू स्वदर्शे पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोतु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानन्द श्याद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकेतनैकपितरौ कमलायुताक्षौ भीषाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैवल्य नरकायते तिदासपूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटली प्रख्यात दंष्ट्रायते विधि महेन्द्राद्रिश्च कीटायते विश्वम पूर्ण सुखायते यत्कोरोना कटाक्ष वैववतम तं गौरमेव स्तम तं गौरमेव स्तम। कैवल्य नरकायते तिदसपूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपतली पत्खात दंश्रायते विधि महेन्द्राद्रिश्च कीटायते विश्वम पूर्ण सुखायते यत्कोरोना कटाक्ष वैववतम तं गौरमेव स्तम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए हरि भजन के द्वारा तुम्हारा सामने स्वाभाविक रूप कामिनी कांचन प्रतिष्ठा सब आते रहेंगे। ये सब चीज में व्यस्त नहीं होना, ये सब चीज देख के मोहित नहीं होना। हरि भजन
का ऐसा ही प्रभाव है। हरि भजन करने का स्वाथ स्वाथी कनक कामिनी प्रतिष्ठा, दुनिया भर का प्रतिष्ठा सारे आते रहेंगे, लेकिन इसमें व्यस्त हो जाना उचित नहीं है, इसमें व्यस्त रहना उचित नहीं है। गौड़ीय मठ के एक एक महात्मा डेडिकेटेड सोल, गौड़ीय मठ में एक एक जीवात्मा जो अपना जीवन को समर्पित किए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखाई हुए जो संकीर्तन यज्ञों उसमें जो आत्मा आहुति दिए हुए हैं, ये सब महापुरुषों का सुबह से शाम तक परिश्रम करने का बाद जो प्रणामी आते हैं, जो कुछ भी आते हैं, एक पाई पैसा वो लोग हजम नहीं करते। सारे के सारे राधा गोविंद गौरांग महाप्रभु का परिपूर्ण संतुष्टि विधान के लिए वो लोग समर्पित कर देते हैं। ये लोगों में जरा सा भी अपना कुछ रखने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बहुपात का सामने बहुत आदमी कभी कभी आके कहते थे, प्रभुपाद ये जो आपका ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है, ये सब ऐसा करता है, इन लोगों को मठ से निकाल दो, इन लोगों को मठ से निकालने से मुश्किल है। प्रभुपाद जी चुप होके उनको प्रश्न करते थे, हम अगर बहुत असुस्थ हो जाए अभी तो आपका क्या ड्यूटी है, क्यों आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां बड़ा बड़ा डॉक्टर लगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। श्रील सरस्वती ठाकुर ने बताया, कम टू द पॉइंट, यही बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो ब्रह्मचारी है वो जो गलती किया कुछ भी किया, हम जाने कभी कभी गलत कर देते हैं, इसके लिए इसको धक्का मार के मटका बाहर निकल दे, ये भी कोई समाधान हुआ? हमारा ये गौड़ीय मठ है, गौड़ी हॉस्पिटल, दिस इज गौड़ी हॉस्पिटल, ये गौड़ी हॉस्पिटल खुल के रखे हैं महापुरुषों ने, यहाँ तमाम मरीज आएगा, उनको हम इलाज करके उसका जो स्वाभाविक स्थिति, अभी जो आपका स्थिति है ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है, एबनॉर्मल स्थिति, अभी जो आपका मन का भाव, जो आचरण है, जो प्रचेष्टा है, सब एबनॉर्मल, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक कब होता है? जब स्पंटेनियसली, जब अंतर से हरि भजन का, भगवान का, गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए स्वतस्फूर्त प्रवृत्ति आ जाता है अंतर से, तब वो स्वाभाविक वृत्ति। जिसको ही चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास को बिराज गोस्वामी बताए, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास का कर्तव्य मालिक का सेवा करना और कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए जे ये सब गौड़ीय मठ, ये जो गौड़ीय मठ में जितना सारे तमाम मरीज आए हुए हैं, और ये जो गुरु वैष्णव है ये सब वैद्य है, ये सब महापुरुष जो वैद्य है, लोगों बद्ध जीवों का प्यार के द्वारा धीरे धीरे शिक्षा देते देते उनको उनका जो बीमारी है उसको हटाकर उसको स्वाभाविक स्थिति में पहुंचा देना ही इन लोगों का कर्तव्य है। इसको धक्का लगा के बाहर निकाल दे तो क्या उसका कोई समाधान है? तो उन्होंने फिर तर्क उठाया, देन ओके यू कैन कॉल ऑल आउटसाइड पीपल एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑन देम। तो आप कहते हो वो लोग को ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है बाहर में इतना आदमी है सब लाओ, वो लोगों को भी तो बीमार है उसको भी ट्रीटमेंट करो। भोपाल जी का ऐसा बहस किया, तर्क उठाए, इतना सारे बाहर का आदमी है, सब उल्लू का मापिक चल रहा है, भूतों का मापिक आचरण है, वाई नॉट यू कॉल देम, वो लोगों को भी बोला ट्रीटमेंट शुरू कर दो। भोपाल ने गुस्सा नहीं किया, भोपाल जी हाथ जोड़ कर, हाँ
आपने ठीक बताया, अगर वो लोग राजी हुए हमारे इधर आए तो वो लोगों का ही हम ट्रीटमेंट कर सके। बाहर में उसको घाड़ धक्का दे के आओ चलो हमारे साथ, ये तो होता नहीं। जीव जीव का स्वाभाविक एक इच्छा होता है, उसका विरुद्ध में जाना नहीं है, वो हमारा ऊपर मामला कर देगा, वो हमको धक्का लगा के मठ में लाए। कोई अगर अंतर से आए हम मठ में आए, हम मरीज है, कम से कम वो स्वीकार करे कि हम मरीज है, तब ना उसको ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर तो रहता है, वैद्य रहता है, खींच खींच के तो लाता नहीं। वो आके बोले डॉक्टर जी हम वैद्य जी हम मरीज है, हमारा ऐसा ऐसा भी, हमको ट्रीटमेंट करो। तो जो लोग हमारा मठ में आता है वो स्वाभाविक रूप में वो उसका इच्छा है थोड़ा उसका इलाज हो जाए, भक्ति करते करते उसका ऐसा स्वाभाविक भक्ति का जो वृत्ति है उस खुल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये मठ में जो तमाम दुनिया का आदमी अगर दाखिल हो जाए, प्रभुपाद बोले हमारा ये मठ में ये तमाम दुनिया का आदमी कचरा भर के, हमारा मठ में को कचरा बनाने का मठ नहीं है। गोड़िया मठ में सारे दुनिया का वो खाने नहीं मिलता, आ जा आ जा हमारा मठ में, ऐसा स्थिति नहीं। जा 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 आ जा हरिनाम दे दे दिखा दे, ये ऐसा कृपा नहीं होता। अगर ऐसे कृपा होता तो गोस्वामियों का ग्रंथों को हमको गंगा पानी में फेंकना पड़े। गोस्वामी लोगों ने जो विचार करके देखा है ऐसा ऐसा करना है, करने से जीवों का धीरे धीरे तरक्की होगा। हम अगर दूसरा रास्ता खोल देंगे, ऐसा ऐसा रास्ता है, भक्तिविनोद ठाकुर ने रोया है, कितना एग्जाम्पल दे, भक्तिविनोद ठाकुर लेखा, भक्तिविनोद ठाकुर आर्टिकल सारे जाएगा, प्रवचन ने भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला। जो लोग भजन में आते हैं उसका लक्षण है, किस लिए आए हो, क्या आपका मकसद है। कोई आदमी अगर खून करके आ गया गोड़ी मठ में रहे तो अच्छा है, कोई समझ नहीं पाएगा, कीर्तन करे खाना भी मिलेगा। तो ऐसा करके दुनिया का कचरा हम गोड़िया मठ में दाखिल करे, ये भी कोई कीपा नहीं है। इसमें क्या होगा, जितना सारे आदमी है वो भी स्पॉइल हो जाएगा। जितना सारे है, एक सड़ा हुआ आलू को आप निकाल के फेंको, और आपका हिम्मत है सड़ा हुआ आलू को आप ठीक कर दोगे तो करो, ठीक करना कीपा है। सड़ा हुआ रहे और अच्छा आलू भी रहे तो पूरा तमाम बड़वा का आलू पूरा खत्म हो जाएगा, आपको पूरा फेंकना पड़ेगा, कोई काम का नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जो जो विचार दिया वो सब विचार धीरे धीरे हमारा भजन राज्य में, भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में प्रभुपाद जी ने बताए, जो हमारा भजन में भक्तिविनोद थारा जो है, भक्तिविनोद थारा को भक्ति का मेन स्ट्रीम, मेन जो भक्ति का स्ट्रीम, इसमें भक्ति विनोद धारा को हर वक्त संजीवित रखना है, हर वक्त संजीवित रखना है। जब तक आप भूलोगे भक्ति विनोद धारा, भक्ति विनोद ठाकुर का सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर विचार, और भक्ति विनोद ठाकुर को छोड़ के उसका ऊपर आप करुणा दिखाने के लिए व्यस्त हो जाओगे, इसमें आपका पतन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जो इंस्ट्रक्शन है वही मानना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन है भक्ति में ठाकुर पोपा का वही मानना पड़ेगा, नहीं तो गौड़िया मठ नहीं रहेगा, गौड़िया सोसाइटी रहेगा। गौड़िया मठ रहने के लिए गुरुजी बोला बार बार शिला भक्ति पुरीम गुरु महाराज, गौड़िया मठ अगर चलाना चाहो तो तमाम प्रभुपात का भक्ति में ठाकुर विचार को ही आपको इन अप्लाइड फॉर्म हम देखना चाहता है, एप्लीकेशन नॉट थियोरिटिकली, किताब में है महाराज पढ़ लिया, नॉट दैट। जितना सारे इंस्ट्रक्शन है हमारा क्षमता नहीं है, फिर भी कोशिश करो गुरु वैष्णव का अनुगत्व के द्वारा जितना सारे इंस्ट्रक्शन है उसको अप्लाई करो, गौड़िया मठ बनाओ। कोई धोनी आदमी गौड़िया मठ बना सके, पोपा जी ने बोला कोई धोनी आदमी अपना पैसा का ताकत से कोई गौड़िया मठ बनाए ही इज अ फूल, यू कैन नॉट मेक ए गौड़िया मठ। गौड़िया मठ ऐसा चीज नहीं है, गौड़िया मठ बनाना है। हम काल भी चर्चा किया, हृदय का अंतकरण से गौड़िया मठ को प्रकाश करते प्रभुपाद। गौड़िया मठ माने क्या है, चैतन्य मठ। प्रभुपाद जी ने बोला चैतन्य मठ का मतलब है चैतन्य मठ और चैतन्य महाप्रभु सेम थिंग, चैतन्य मठ इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु।
तो गौड़िया मठ क्या है हमारा? गौड़िया मठ क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया चैतन्य मठ में चैतन्य महाप्रभु का तमाम सेटिस्फैक्शन, एंटायर सेटिस्फैक्शन के लिए आपका, इनका, सारे भक्तों लोगों का प्रचेष्टा होना चाहिए। वन पॉइंट ए डिवोशन, नॉट दैट योर कंसेप्शन इज डिफरेंट, हिज कंसेप्शन इज डिफरेंट, बोथ ऑफ यू फाइट, लड़ाई करना शुरू करो ना, ये चलेगा, ये चलेगा। जब तुम भजन करने के लिए आए हो, तुम्हारा मकसद है गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करना, इसका भी मकसद है सेवा करना, तो फाइटिंग का क्या है? पॉलिटिक्स कहां से आ रहा है? गंदा पॉलिटिक्स कहां से पैदा हो रहा है बोलो? ये होना नहीं चाहिए। तो गौड़िया मठ क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला चैतन्य मठ में तमाम भक्तों लोगों का प्रचेष्टा का द्वारा चैतन्य महाप्रभु का परिपूर्ण संतुष्टि विधान का प्रचेष्टा, वो भी टुगेदर विथ संकीर्तन। 64 भक्ति अंग का कोई भी भक्ति अंग जाजन करो, है संकीर्तन नैव क्रियेत, हरि संकीर्तन नैव क्रियेत, हरि संकीर्तन के द्वारा आपको करना है। चाहे रसोई करो, चाहे बर्तन घिसो, चाहे पूजा करो, चाहे कलेक्शन में जाओ, कुछ भी करो, आप लोग करते नहीं हो, इसलिए जितना भी शुद्धता बजाय रखो वो इम्प्योर हो जाता है। समझा मेरा बात? जीव गोस्वामी बात कभी, कुछ भी करो, सब कोई के साथ संकीर्तन जोड़ा होना चाहिए। संकीर्तन को काट के फेंक कर आप सेवा करने का बहाना करो, वो सेवा नहीं है, वो कोर्मी, वो कोर्मी बन जाता वो आदमी, ऐसे होता नहीं। गौड़िया मठ जितना है, तमाम चैतन्य मठ का सेवा का लिए अलग अलग जो गौड़िया मठ बना है, ये जैसे राधा रानी काल चर्चा काल चर्चा होने का चांस है, राधा रानी जैसे अकेली सेवा कर करने से अच्छा नहीं लगता, क्या कहती है, सारे सखी मंजूरियों को सेवा में लगा देती है, ऐसे चैतन्य मठ का सेवा में जितना सारे गौड़िया मठ, सारे गौड़िया मठ चैतन्य मठ मूल मठ चैतन्य मठ अर्थात चैतन्य महाप्रभु का सेवा में उन सभी का योगदान होना चाहिए, राइट। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताए गौड़िया मठ जितना सारे हैं, ये सब गौड़िया मठ में चैतन्य महाप्रभु का चरण में जो डेडिकेटेड सोल है, सारे आत्मसमर्पण किए हैं, इन सब महात्माओं का सेवा गौड़िया मठ में होना चाहिए। जितना सारे गौड़िया मठ, ये लोगों का सारे सुविधा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, ताकि तमाम गौड़िया मठ में जितना सारे चैतन्य महाप्रभु का लिए डेडिकेटेड शॉल है, वो सब भक्तों का लिए सेवा का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो सब मिलके योगदान करे कि चैतन्य महाप्रभु मूल जो सेंटर है चैतन्य महाप्रभु के चरणों का तमाम सेवा कर सके। गौड़िया मठों में गौड़ांग महाप्रभु का भक्तों का सेवा, अपमान नहीं, अपमान नहीं, सेवा, सेवा कैसे होता है कौन समझे, ये होना चाहिए। आ चैतन्य मठ में तो चैतन्य महाप्रभु का सेवा के लिए तमाम गौड़िया मठ का योगदान होना चाहिए। जो श्लोक देके मैंने शुरू किया था उसका थोड़ा व्याख्या हो जाए, हमारा इच्छा है। यहां श्रील सरस्वती एक भी सरस्वती ठाकुर प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में जिसका जीवन जौवन निछावर कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी भगवान का लीला शरण भगवान का मानस सेवा में डुबकी लगाया, कोई भी महात्मा बाहरी दृष्टि से देखो किसी स्थिति पे उसको मजबूर कर दिया निर्जन भजन के लिए, सूरज कुंड में हो कहीं भी हो, विचार करके देखना उसका जीवन, वो निर्जन भजन नहीं कर रहे, देखने में निर्जन भजन में गया तो इधर जो चल रहा है हालत, इससे बचने के लिए सेवा का जो भाव है ये खराब ना हो जाए, इसको संभालने के लिए कुछ देर के लिए वो लोग करते हैं। मेरा गुरुजी भी किया कालना में, यहाँ वहाँ हमको भी मजबूर कर दिया भगवान, लेकिन कोई आदमी हमारा साथ रहे, भक्तों लोग रहे तो उनको पूरा पता है, तो पूरा दिन हम संकीर्तन करते रहे। ब्रजवासियों का एक रोटी खाने से गुरुजी बोलते हैं जे एक रोटी खाओ तो अगर उसको भजन के द्वारा संकीर्तन के द्वारा उसको नहीं मिटा पाओगे तो अगले जन्म में कुत्ता जन्म होगा आपका ब्रजवासी का घर में,
माधुकुरी का रोटी खाओ और भजन ना करो, होगा नहीं। तो वो लोग दिखाने के लिए उधर रहता है कभी कभी, लेकिन लिखता है, संकीर्तन करता है भक्तों का सामने, चाहे दो भक्त हो एक भक्त हो, उनका सामने कंटिन्यूस संकीर्तन करता है। निर्जन भजन वो लोग का इच्छा नहीं है, संकीर्तन में ही मजा है। गौरकिशोर बाबा निर्जन भजन में है ये गलत बात है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज बाहरी दृष्टि में हैं, लेकिन उनके सामने तमाम हृदय में सारे गुरु वैष्णव को लेके हर वक्त संकीर्तन कर रहे हैं। ये तुम्हारा हिम्मत नहीं है, तुम्हारा हिम्मत नहीं है, लेकिन किसी किसी का तो जरूर हिम्मत है। हिम्मत तो गुरु वैष्णव देते हैं, प्रभुपाद देते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु देते हैं, नित्यानंद प्रभु देते हैं। हर आदमी उल्टा रास्ता में चल रहा है तो ठीक नहीं है। हम ही एक भजन कर रहा है, पूरा दुनिया भजन नहीं कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है। लेकिन ये विचार ठीक है कि हमारा भजन नहीं हो रहा है, पूरा दुनिया भजन कर रहा है, ये परमांशु व्यक्ति का दर्शन है। फिर भी तमाम लोगों को भजन में लगाने के लिए वो लोगों को सिद्धांतों का विचार रखना पड़ता है, सिद्धांतों का जो विचार जो है सिद्धांतों रखना पड़ता है सामने, ताकि शुद्ध हो सिद्धांतों वो लोग अपना जिंदगी अपनाएं, इसमें सुविधा होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया सिद्धांतो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहां होते कृष्णे लागे सुधीर मानस। सिद्धांतों को आप विचार ना करो, छो क्या होगा, जैसे चल रहा है चलने दो, इसमें क्या होगा। सिद्धांत तो आपका जिन में दिल में जब तक बैठेगा नहीं, तब तक आपका वास्तव कृष्ण में मन संलग्न होने का कोई चांस नहीं है। लिखा हुआ, ये हमारा कहना नहीं, तमाम दुनिया में सब मठ में सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, कोई के सिद्धांत तो नहीं, कीर्तन नहीं, कीर्तन में बैठता नहीं, पाठ में बैठता। महाराज ठीक है, क्षमा कर दो, वो भी करेगा कभी, करो। इतना तुम कर नहीं सकते हो कि उन लोग कान पकड़ के हरि कथा में बैठाओ, इतना हिम्मत तुम्हारा नहीं है, तर्क देते हो तुम। हरि कथा में कम से कम बैठो, तुम्हारा जो भी बीमारी है आज नहीं तो कल उतर जाएगा, नहीं तो तुम कैसे बीमार को हटाओगे, कैसे हटाओगे बोलो। एक ही तो रास्ता है, बोबा जी बोलता है, तमाम शास्त्र बोल रहे हैं, तो अपना अपना हिसाब से तुम विचार करो, हो जाएगा। तो फिर कोई बोल लो नरकायते तिदस पूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली पत्खात दंष्टायते विधि महेन्द्रादिष्ट किटायते विश्वम पूर्ण सुखायते जत करुणा कटाक्ष वैभवतम तं गौरवेव स्तुमुह। कोईवल्ल नामक जे मुक्ति कालिया आदमी दौड़ते हैं संसारी दुख के एकदम भरपूर होके, महाराज हम जीना नहीं चाहते। आ कोई कोई बोलता है कोईवल्ल चाहिए भजन में, कोईवल्ल कोईवल्ल का स्वाभाविक अर्थ है आत्यांतिक दुख का निवृत्ति, बट कोईवल्ल भक्तों शुद्ध भक्तों के सामने कोईवल्ल नरकायते, ये नरक की बराबर है, क्या दुख की निवृत्ति, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं, तो दुख कहां से निवृत्ति होने का क्वेश्चन आता है। भक्तों का जीवन में कोई दुख है, हैं? जो श्लोक गीता में बताए भगवान, जो बताए धर्म क्या धर्मों की जो श्लोक है, वहां लिखा है भक्तों का दुख को मिटाने के लिए, तो वहां विषय है परित्राणाय साधुराम विनाशायश्च दुष्कृताम। ये जो लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा है, भक्तों का दुख है ही नहीं तो दुख मिटाने का क्या है, कुछ नहीं है। इसमें विचार लिखा है चक्रवर्ती बाद, भगवान का विरह के द्वारा जो दुख अप्राकृत दुख, इसको मिटाने के लिए परित्राणाय साधुराम। जो हम दुख महसूस नहीं करता तो हमारा परित्राण के लिए क्यों हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा फिनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, दुनियादारी का प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दुनिया में कोई समस्या नहीं है, समस्या एक समस्या है कि हम भजन नहीं कर सकता, समस्या एक है कि हम भजन नहीं कर सकता, यही दुख है, यही समस्या है। बाकी जितना समस्या में गिरे हुए हो सब बेकार की समस्या, दिस इज नॉट एक्चुअली समस्या, इसको प्रॉब्लम नहीं माना जाए। शास्त्रकार ने बोला ये समस्या नहीं है, समस्या एक है, इसलिए बोला कई बल्ल नरकायते
कैवल्य का कैवल्य नामक मुक्ति को भक्तों लोग नरक मानते हैं, नरक नरक की बराबर कैवल्य नरकायते अतिदास पूर आकाश पुष्पायते स्वर्गमत्त पताल का जितना सारे वैभव है कभी हम व्याख्या करेंगे उस श्लोक को वित्तासुर का, हमारा भी याद हो गया। तो वो जो है आपका दुनिया का स्वर्गमत्त पताल का जितना सारे वैभव है उसको दे दो, इसमें भी उसका कोई आता जाता नहीं। तिदास पूर आकाश पुष्पायते, आकाश पुष्प मतलब खे पुष्प, संस्कृत में बोलता है खे, आकाश में पुष्प होता है क्या? आकाश में पुष्प खिलता है? अरे महाराज कोई पेड़ हो तो तब तो खिलेगा पुष्प। तो ये तो ऐसे ही बोल दिया, जैसे हमने काल कहाँ चर्चा कर रहा था वेदांत सूत्रों से, वो जलंधर में चर्चा कर रहा था, तो सस सिंगो घोड़े का डीम, ये सब वेदांतों का सब सारे व्याख्या है। तो ये जो आकाश पुष्प है ये भी बनावटी है, दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। संभव है आकाश में फूल खिलना? संभव है? अरे माया आकाश है, वो आसमान में कैसे फूल? ये भी एक कहावत है, आकाश पुष्पायते आद दुर्दांत इंद्रियो काल सर्प पटली प्रख्यात दंशायते। जो इंद्रियो लोक जो इंद्रियां आपका शरीर में है मन की साथ आपको तमाम समस्या में गिरा देते हैं, हैं प्रहलाद महाराज जी सुंदर गाया भागवत में सुंदर, जीव हई कतो अच्युत विकर सती माँ विदिप्ता शिष्ण अन्नत हस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित इत्यादि श्लोक का कब व्याख्या सुनोगे? कब? यू हैव नो टाइम, आपका पास समय नहीं है सब सुनने का। सुनो तो पता चलेगा, विचार सुनो। तमाम हमारा इंद्रिया सब खींच रहा है, जवान एक तरफ खींच रहा है लालची अच्छा अच्छा खाने का लिए, हमारा कान दूसरी जगह खींच रहा है, हमारा त्वचा दूसरी जगह खींच रहा है, हाँ हमको पागल बना दिया, हमारा अंदर में बेचैनी है, हमको शांति नहीं मिलता। तो इसलिए ये जो श्लोककार ने बताया चैतन्य महाप्रभु का महिमा बताए, दुर्दांत इंद्रियो काल सर्प पटली पोत्खात दंशायते, जैसे जहरीली सांप है, सांप को आप पकड़ने जाओ तो उसको आपको डांस ले और आप मौत की गोदी में ढल जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सांप को सपेरा अगर उसका पास मंत्र है, उसका पास जड़ी बूटी है, उसको पकड़ कर ले आए, उसका जो 20 दांत है उसको उखाड़ कर फेंक दे, और फेंक देने का बाद उसी सांप को लेकर ले खेल हमारा साथ, चल अभी कितना डांसेगा डांस, खेलना शुरू कर दिया हमारा वो जहरीली सांप। जो जहरीली सांप एक बार आपको डांसे तो आपका जिंदगी सत्यानाश हो जाए। उसी सांप का जो जहरीली दांत है उसको काट, उसको लेकर उखाड़ कर फेंक दे, तो उसका बाद क्या होगा? वो सांप तो सांप रहेगा लेकिन उस सांप का अंदर की जहर का जो प्रभाव है सारे मिट जाए, वो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगा। वो सांप को लोग अभी खेलो, खूब खेलो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बताया। देखो दुर्दांत दुर्दांत इंद्रियो जो है, दुर्दांत इंद्रियो ये काल सर्प पटली, काल सर काल, काल मतलब मौत का फंदा, काल सर्प पटली प्रोत्खात दंशायत, प्रोत्खात नॉत उत्खात, प्रोत्खात मतलब उसको एकदम उखाड़ कर बाहर में फेंक दो, प्रोत्खात दंशायते उसका दांत उखाड़ कर फेंक दिया, अभी खेलो उसका साथ। वही इंद्रियो जो आपको 20 साल पहले इतना कष्ट दिया था, बोलो आज संकीर्तन करते करते इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट दे रहा है? गुरु जी का कृपा, वैष्णव का कृपा, संकीर्तन का कृपा, तमाम दुनिया का प्रसाद का कीपा, आप सोचते हो प्रसाद मतलब खाना अच्छा वाला, प्रसाद मतलब खाना। रघुनाथ दास गोसाई सोचा था वो जो सड़ा हुआ चाल को फेंक दिया, उसको उठा के पानी से धोकर नीमक देके खाया जगन्नाथ का प्रसाद, इट इज प्रसादम। लेकिन आप लूची पूरी परमान्नो सिमुई बना के भोग लगा दो, ये प्रसाद नहीं बनता, क्योंकि आपका बुद्धि में अच्छा अच्छा खासा खाना। जब रसोई में बनता है, हम रसोई में हमारा नियम था रसोई में किसी को घुसने नहीं देते, जब रसोई बनेगा आज दरवाजा बंद, कोई ब्रह्मचारी जो रसोई करेगा पेशाब के लिए जा नहीं सकता और खा के पचाएगा नहीं, खाने का बाद रसोई नहीं कर सकता, कौन मानेगा बोलो? इसलिए हम मठ नहीं बनाया, हम जाने कोई नहीं मानेगा, लेकिन नियम तो नियम ही है,
नियम को अपना मुताबिक बनाओ, होगा नहीं। वो भरपट खा के रसोई घर में जाए, रसोई होगा नहीं, रसोई होगा नहीं। यहां तक कि पुजारी रात को 11 बजे खा लिया, उसको सुबह में जैसे ढेंक आता है, आओ काल रिच खाया, वो पूजा में उसको घुसने का हिम्मत नहीं है। कौन मानेगा हमारा बात, हमको पागल साबित करके फेंक देगा रास्ता में। फिर भी हम यही बात बताएं, नियम पालन करो, बिना नियम चलने का प्रयास मत करो। शूद्र बन जाएगा पूरा, तमाम दुनिया शूद्र हो जाएगा, शूद्र पैदा करने का फैक्ट्री बनाएगा हम लोग। कुछ नहीं, आचार नियम लाचार बन जाए, ये ठीक नहीं है। शुद्धता जितना करोगे, गुरुजी बोलता था, उतना ही आपका भजन आगे जाएगा। शुद्ध को फेंको मत, लेकिन इसका लिए किसी को दिल दुखाओ मत। किसी को दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये जो बताया, कवाड़ बंद हो जाएगा, रसोई होते रहेगा, रसोई होने का बाद ठाकुर जी का घर में जाएगा, बाद में जब परोसने का टाइम है, देन यू कैन नो ठाकुर जी को क्या परोस पर, क्या भोग लगा था। भोग में अगर पहले से ही कोई आदमी लालची आदमी देख ले, ठाकुर जी का भोग हो गया, ठाकुर जी खाएगा नहीं। आज छाना का रसा बन रहा है महाराज, आज ये गभी का पकौड़ा बना है ठाकुर जी का, और तुम खाओ खूब, ठाकुर जी भी नहीं खाएगा, वैष्णव भी नहीं खाएंगे। जानते नहीं हो सब ये सब विचार, सुने नहीं हो कभी। तो बात यह है, तमाम जो इंद्रियां आपको इतना कष्ट दिया है इतना तक, अभी तक सारे समस्या का समाधान, दुर्दांत काल सर्प पतली पोत्खात दंशायते और विधि महेंद्रादिष्ट कितायते। अगर ब्रह्मा का पद दे दो, वो हंसी उड़ाएगा, मनवाई लेके क्या करें हम। विधि महेंद्रादिष्ट कितायते, ब्रह्मा का पद दे दो, इंद्र का पद दे दो, वो हंसी उड़ाएगा, हा 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 महाराज क्या करें हम भी को लेके। विधि महेंद्रादिष्ट कितायते और विश्वम पूर्ण सुखायते। विश्व में कहां समस्या है, कहां, तुम्हारा घर में नहीं, इसका घर में है। ये परमहंसो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर गिरा के श्लोक बताया, विश्वम पूर्ण सुखायते, कहां देख रहे हो। एक परमहंसो देख रहा है सारा विश्व में शांति है महाराज, आप बोलते हो न्यूज़पेपर में आए वहां समस्या, वहां समस्या। वो बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायत, सारा विश्व में सुख ही सुख, अपने भजन करो, अमृत लाओ, तो देखोगे सारा जगत अमृतमय दर्शन हो जाएगा। नहीं तो होगा नहीं, होगा नहीं। विश्वम पूर्ण सुखायते, और किसके करुणा कटाक्ष वैभवाप से हो सकता है, बल एकमात्र श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय। तो चैतन्य नामक महावैद्य, इनके चरण का सहारा लो। वो भी कैसे लोगे, इनका चरण का जो मधुमक्खी है, भंवर है, इनके चरण में, भक्तों का चरण में, चैतन्य महाप्रभु का चरण में डायरेक्ट जाने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए तो रघुनाथ दास को उसको गोस्वामी को भेज दिया घर में, ए स्थिर हो या घरे जाओ, नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे हैल पाए लोके भवसिंधुकुल। जब नित्यानंद बहु का चरण का सहारा लिया, नित्यानंद बहु आशीर्वाद करके बोल दिया, जाओ तुम्हारा संसार बंधन छूट जाएगा, और तुम्हारा जब महाप्रभु का चरण में पहुंचोगे तब आपको अंतरंग सेवा दिया जाएगा। फोरकास्ट कर दिया, फोरकास्ट पहले से ही बोल दिया, तुम्हारा संसार बंधन तो वो पूरा जाएगा, कोई चिंता नहीं, संसार तो है ही नहीं आपका अंदर, फिर भी बाहरी जो बंधन है वो भी छूट जाएगा। आप जब चैतन्य महाप्रभु के चरण में पहुंचोगे, स्वरूप गोसाई आपको चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग सेवा में नियोजित करेंगे। सच्चा हुआ, आगे चलकर सच्चा ही हुआ, रघुनाथ दास गोसाई महाप्रभु का अंतरंग सेवा किया, करने का सुजग मिला था। तो जत करुणा कटक से वैभवतम तम गौरमेव स्तुम हो, वही स्तुम हो, वही चैतन्य महाप्रभु के चरण को स्तप कर रहा हूं मैं। लेकिन एक बात इधर प्रश्न आता है, जय चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षाष्टक लिखा था, हमारा सामने तो शिक्षाष्टक, तमाम शिक्षाष्टक है ना, आठ श्लोक, ये आठ श्लोक जो है, ये आठ श्लोक का तमाम जो गोस्वामी लोगों ने जितना शास्त्र रचना किए, तमाम रचना गोस्वामी लोगों ने जितना रचना किए, तमाम ये शिक्षाष्टक जो आठ श्लोक है, ये आठ श्लोक का इंटरप्रिटेशन व्याख्या, समझाना मेरे भाई। तमाम जो शास्त्रकार ने हमारा गोस्वामी जी शास्त्रों का विचार लिखा है, कितना सारे ग्रंथ लिखा है,
सारे क्या है, दोज आर द टोटल एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज एट श्लोकास, सिक्का स्टॉक का पूरा एक्सप्लेनेशन व्याख्या, तमाम जितना शास्त्र हुआ है तमाम ये सिक्का स्टॉक का व्याख्या है और कुछ नहीं। समझा मेरा बात, एक एक करके श्लोक को व्याख्या करते चले तो अब समझोगे आप। लेकिन हमारा एक अभी क्वेश्चन आ गया आपका सामने, महाराज आपने कह दिया कि विषम पूर्ण सुखायते, कोई दुख है नहीं दुनिया में, है परमहंस व्यक्ति इतनी सुस्ता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो लिखा है, क्या लिखा है, चेत दर्पण मार्जनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कौरव चंदिका वितारणम विद्यावधुर जीवनम आनंदन बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित्वा स्वादनम सर्वात्म स्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण न कृष्ण संकीर्तन, इसका भी व्याख्या काल हो पाए, समय लेके बैठो, अमृत लेना है तो लो नहीं तो भागो। यह हमारा भंडारा में बिंदारा में बोलते होते, जिसको लेना है तो लूटना है तो लूटो और भागना है तो भागो। वृंदावन है, दुख मत मानो, हम गाली नहीं दे रहे, मजा बोलता है, लूटना है तो लो, राधा रानी का भंडारा है, जो लूटना है तो लूटो नहीं तो फूटो, ये हमारा विवाद है। तो चैतन्य महाप्रभु जो सिक्कास्तक में लिख दिया है, वहां चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि, ये क्या गलती लिखा, बोले ये गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, ये जो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापनम लिखा है चैतन्य महाप्रभु, इसमें क्या है, इसमें क्या विचार है, बोले इसमें ये जो स्वाभाविक जो दुनिया का जितना तद ऑर्डिनरी आदमी है जिसको भजन का कोई पता नहीं है, ये लोगों का अंदर में सचमुच उसका जलन होता है। ये भवो दबाग्नि, एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को दोष पकड़ेगा और लड़ाई करेगा, उसमें फायर, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है ना दबानल, एक भक्तों का साथ एक भक्त, एक दुनिया का आपका सास का साथ बहू का, ये ससुर का साथ ये आपका आपका बहू का, लड़ाई लगे देवर का साथ संसार में लगता ही है, ये सब दबाग्नि हैं कि कोई किसी को खून करे ये सब चलता ही है। लेकिन ये जो दबाग्नि है, ये दबाग्नि निर्वापन करने का एक ही रास्ता है, जब सदगुरु चरण में आश्रय लेकर जब संकीर्तन करोगे तब आपका अंदर का जो अग्नि है निर्वापित हो जाएगा। कीर्तन में भी सुंदर है, जो कीर्तन सुंदर कीर्तन है, संसारी आदमी का जो जलन हो रहा है तो साधु संग करी हरि भजे यदि तबे अंत है क्लेश, इसमें ये कीर्तन आज करना, इसमें आंख का बात है, संसारी आंख है, एघोर संसारी पुरियद मानव ना पाए है, ये कीर्तन है सुंदर, सारे भक्ति में ठाकुर लिख दिया। तो ये जलन जरूर है, दबाग्नि है, लेकिन ये परमहंस व्यक्ति ने जो लिख दिया वो कब संभव है, जब भक्ति नमक अमृत भरपूर पान कर लिया प्रतिष्ठित है, वो परमहंस व्यक्ति के लिए विश्वम पूर्ण सुखायत हो जाता है, परमहंस व्यक्ति का कोई दुख नहीं। लेकिन जड़ जगत का जितना देर बद्ध जीव उसका दुख है, वो फाइटिंग होगा, आग जलेगा, वो जलते रहेगा, लेकिन परमहंस व्यक्ति इस सब इसको किसी भी हालत से स्पर्श नहीं कर सकता। सपोज करो यहाँ आग लग गया, सपोज करो यहाँ आग लग गया, तो आप आग नहीं लगाया, लेकिन आग लग गया तो आपको तो भागना पड़ेगा, क्योंकि आग का तो ताप आपको भी आएगा, आएगा ना। तो मठ में अगर ये बात हमने बार बार, ये विज्ञान भित्तिक साइंटिफिक बात, हमने एक बात बार बार गिर गिरा कर प्रार्थना किया भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का अनुगत्व में, किसी आदमी बोले मठ में सब भजन करे अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। बद्ध जीवों का लिए पहले भजन का वातावरण देना जरूरी है, समझा मेरा बात। प्राइमरी स्टेज में जो भक्त आता है उसको दुख लगता है, आग जले तो सहन नहीं कर सकता, कष्ट होता है, तो इसका लिए भजन का वातावरण देना जरूरी है प्राइमरी स्टेज। जब पक्का हो जाएगा तब कुछ हो उसमें कोई असुविधा नहीं है,
नहीं तो आंख जले, आंख का ताप तुमको भी आएगा, इसको भी आएगा, सबको ही आएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आंख ना जले, यही प्रचेष्टा करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा बीमार फैलेगा, उसका बाद हमारा डॉक्टर के पास जाएगा, हम ट्रीटमेंट करा लेंगे। अभी कुछ भी हम कर ले, कुछ भी हम कर ले, ये ठीक नहीं है। वो लोगों ने बोला जे इससे तो अच्छा है ऐसा जीवन यापन करो जिसमें आपका बीमारी ना होए। बीमारी होगा, हम कुछ भी करे, अत्याचार कुछ भी करते रहे, नियम नहीं है, तो फिर आपके बाद जो जो बीमार होगा तो देखा जाएगा, डॉक्टर का हो जाएगा, पैसा है। इससे अच्छा ऐसा आचरण करो, ऐसा शुद्ध विचार करो जैसे बीमारी ना फैले, यही नियम है। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।